मेवात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई की हत्या का मुख्य आरोपी डंपर चालक सब्बीर उर्फ मित्र को पुलिस ने राजस्थान गंगोरा से गिरफ्तार कर लिया है। तावड़ू डीएसपी के हत्यारों को पकड़ने के लिए नुहू पुलिस कप्तान वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में अपराध जांच शाखा प्रभारी तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू व अपराध जांच शाखा नुहू निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया है। वहीं पहले दिन ही आरोपी इक्कर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने पर मेवात नुहू के शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया था। बुधवार को आरोपी इक्कर को मान्य अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई के ऊपर डंपर चढ़ाने वाला मुख्य आरोपी सब्बीर उर्फ मित्र को पुलिस ने राजस्थान पहाड़ी थाना क्षेत्र के गंगोरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए मुख्य आरोपी सब्बीर उर्फ मित्र को आज मान्य अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। नुहू पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने रात 11:30 बजे प्रेस वार्ता में कहा कि रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ से न केवल मुकदमे के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को मदद मिलेगी, बल्कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा भी गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान संभव हो पाएगा। मुख्य आरोपी सब्बीर उर्फ मित्र कैसे राजस्थान पहुंचा और किन लोगों ने इन आरोपियों की मदद की, उन लोगों की पुलिस जाँच में जुटी है। जल्द ही उनका पता लगाकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नुहू से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फायर नंबर 309 थी सदर तावड़ू की। इसके अंदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी जो मुख्य आरोपी था सब्बीर उर्फ मित्र सन ऑफ इशाक, वो हमारे को PS पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है, जो गंगोरा गाँव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी, जो जितने भी इसके हाइड आउट्स थे, जितने भी इनकी जानकारियाँ थी, उन सभी जगहों पे रेड की गई थी। कम से कम हमने 30 से अधिक जगहों पे करीब हमने रेड की थी, और हमें हर जगह से जो भी क्लूज मिल रहे थे उसको गैदर करते हुए फाइनली टीम को इसका हाइड आउट मिला और इसको वहाँ से तक पहुँचा। सर अपनी जगह बार बार बदल रहा था, जैसे जैसे इसको सूचना मिल रही थी, कहीं ना कहीं से इसको भी टिप्स अपनी मिल रही थी, पुलिस के पहुंचने पर ये वहाँ से भाग जा रहा था, और फ़ोन इसने स्विच ऑफ किया हुआ था, और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही हमने मेजरली यूज़ किया है। टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारी इसमें काम नहीं आ रही थी, और इसीलिए हमारे को थोड़ा समय लगा इसको पकड़ने में। लेकिन जब सभी तरफों से हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज हमारी टाइमली रेड्स जब बार बार करते रहे, तो उससे हमें सफलता मिली। गिरफ्तारी अभी शाम को हुई है, तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। इसको कल हम इसके लिए पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे, और पूरा डिटेल में इससे हम इंटरोगेशन करेंगे कि पूरे सिस्टम में इसके कौन कौन इन्वॉल्व हैं, और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अभी प्रॉपर हालात में नहीं था, क्योंकि उसको कल जब गोली लगी थी उसके बाद से वो कुछ जो इंजेक्शन लगे थे, पेन किलर लगे थे, उससे वो थोड़ा नशे की हालात में था, तो उससे पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पाई। दर्द के कारण भी वो पूरी तरह बता नहीं पा रहा था, वो थोड़ा शॉक में था। तो इससे अभी डिटेल इंटरोगेशन के लिए हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि जब ये भी मुख्य आरोपी भी आ गया है, तो दोनों की स्टोरी को क्रॉस चेक करके और पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाएगा। देखिए अभी इस विषय में हमारी अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी इसमें पूछताछ के दौरान में पता लगेगा फाइनली इससे क्या हुआ।